हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना टॉपिक डिस्कशन करेंगे फॉसिल्स, यानी कि एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि किस तरीके से हम एविडेंसेस के द्वारा ये प्रूव कर सकते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है या हो रहा है, और इसमें हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स। फॉसिल्स स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई देखो फॉसिल्स है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉसिल्स क्या चीज़ है। फॉसिल्स को हम लोग बोलते हैं दे आर द रिमेन्स। रिमेन्स मतलब बचा हुआ कुछ, ठीक है। अब इसके रिमेन्स कैसे कैसे हो सकते हैं, देखिए एक होता है पेट्रीफाइड रिमेन्स। पेट्रीफाइड का मतलब यह हुआ कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कोई ऑर्गेनिज्म जो है, जब वो लंबे समय तक मिनरल्स के साथ एक्सपोज रहता है, या कह सकते हो कि उसमें जब मिनरलाइजेशन हो जाता है तब वो स्टोनी हो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तब उस प्रकार की जो फॉसिल्स होंगे उन्हें कहेंगे पेट्रीफाइड फॉसिल्स या पेट्रीफाइड रिमेन्स, ठीक है। या तो ये होगा कि वो पेट्रीफाइड हो जाएगा, या हम उसको कह सकते हैं कि इम्प्रेशंस होंगे, यानी कि जो रिमेन्स हैं वो इम्प्रेशंस की फॉर्म में है। इम्प्रेशंस का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो प्रिंट होगा, छपा हुआ होगा। और तीसरा ये भी हो सकता है कि वो रिमेन्स कोई ना कोई मोल्ड्स की फॉर्म में हो, यानी कि कुछ उसका कोई ना कोई जगह पे जब वो बना होगा, गिरा होगा, वहीं पे उसका एक निशान सा बन गया होगा, और जो कि मोल्ड की तरह होगा, यानी कि वैसे आकार के साथ बना हुआ होगा। एक तो ये होता है कि केवल कोई छपाई होगी, किसी चीज छप गया, वो इम्प्रेशन हो गया। और जो पेट्रीफाइड हो गए ये स्टोनी टाइप के हो गए, यानी है ऑर्गेनिज्म पर वो हार्ड हो गया, बिकॉज द स्पेसिस विच इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म इज फिल्ड विद सम मिनरल्स, एंड देन द ऑर्गेनिज्म बिकम्स स्टोनी और हार्ड, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पेट्रीफिकेशन, और द रिमेन्स आर नोन एज पेट्रीफाइड। मोल्ड्स के रूप में भी हो सकते हैं, और मोल्ड्स में तो आपको जैसे कि हम लोग हिंदी में कहते हैं साचा, कोई आकार उसका हो उसी के रूप में। और तीसरा पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी हमें मिल सकता है एज ए फॉसिल या एज ए रिमेन, यानी कि होल ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये कैसा होगा, एक प्रकार से प्रिजर्व टाइप का समझ सकते हो, होल ऑर्गेनिज्म। नेचुरली जो है पोलर रीजन पे ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, होल ऑर्गेनिज्म। तो ये तो हो गया आपके। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, फॉसिल्स होती क्या चीज़ है। फॉसिल्स का मतलब होता है रिमेन्स ऑफ, ये कह सकते हो पेट्रीफाइड रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म, मोल्ड्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, और पास्ट। ऑब्वियसली पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट बोलना जरूरी है, या डेड बोल दो या पास्ट बोल दो। होल ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स, लेकिन ध्यान रखना ऑफ द पास्ट, ये बोलना जरूरी है। उन सभी को जब हम लोग देखते हैं, कभी हम लोग डिगिंग करते हैं अर्थ की, तो उस दौरान जब उनको निकालते हैं तो इस उन सभी जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। तो आप क्या कह सकते हो, द पेट्रीफाइड रिमेन्स और द इम्प्रेशंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पास्ट इज नोन एज या आर नोन एज फॉसिल्स। ये कह सकते हो द पेट्रीफाइड रिमेन्स, इम्प्रेशंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पास्ट, मोल्ड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पास्ट, and the whole organism of the past are known as fossils, and the process of formation of such type of organisms or such type of impressions or molds or petrified remains, this is known as fossilization. अब बात आती है कि भाई देखिए इसकी स्टडी हम करते कैसे हैं, क्यों हम इतना इंपॉर्टेंस इसको मानते हैं। तो देखिए एक ब्रांच होती है, इसका नाम होता है पैलियंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी, ठीक, हाँ ऐसे ही पैलियंटोलॉजी। ये क्या होता है, दिस इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स, रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म ऑफ द पास्ट। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड हो चुके हैं, जो बहुत पास्ट के हैं, जिनके हमें केवल रिमेन्स प्राप्त होते हैं, उन सभी ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम कहते हैं पैलियंटोलॉजी। जो ओल्ड पैलियंटोलॉजी के जो फादर हैं उन्हें हम मानते हैं लियोनार्डो विंसी, ऐसा नाम है, ठीक है।
ये है, ये लार्ड ऑफ बेंजीन, ठीक है। और जो नए है मॉडर्न जो ये है फादर, फादर ऑफ ओल्ड पैलियोन्टोलॉजी, और फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न पैलियोन्टोलॉजी कौन हुए, वो हो गए आपके जॉर्ज कुवियर, जॉर्ज कुवियर, ये है मॉडर्न पैलियोन्टोलॉजी के फादर, ये है ओल्ड जो पैलियोन्टोलॉजी उसके फादर। ये तो एक जनरल सी बात हो गई। उसके बाद तो अब हम लोग बात चुकी फॉसिल्स ही कर चुके हैं, तो हम बात करेंगे फॉसिल्स हमें कहां से प्राप्त होते हैं। तो फॉसिल्स हमें प्राप्त होते हैं बाय डिगिंग ऑफ अर्थ। देखो आपने ऐसे कई बार देखा होगा कि आपके घरों में जो कभी कभी हम लोग पत्थर लगवाते हैं, स्टोन लगवाते हैं, घरों में लगे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि उन पत्थरों को हम जब काट के लगाते हैं उसकी, तो आपने देखा होगा उस पर कभी कुछ फूल जैसे पत्ती जैसे बने होते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रिंट होते हैं वो कहीं ना कहीं उस जमाने में जो प्लांट्स मर गए होंगे, दब गए होंगे बिटवीन द लेयर्स ऑफ द अर्थ, तो वही आज स्टोन की फॉर्म में जब हमको निकालते हैं तो लेयर की फॉर्म में वो जब उनकी हम कटिंग करके निकालते हैं तब तो कहीं ना कहीं उनके वो डेड रिमेन्स जो होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रेशंस हमें वो दिखाई पड़ते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, फॉसिल्स होते हैं। ऐसे ही एक जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ पे केमिस्ट्री लैब के सामने एक पत्थर था, वहाँ पे प्रिंट बना हुआ था एक प्लांट का, जैसे जस्ट लाइक स्मॉल लीव्स ऑफ फर्न ऐसा कुछ था। तो हमारे जो प्रोफेसर हुआ करते हैं वो बताते थे कि देखिए वहाँ जाके आपको मालूम पड़ेगा वो पत्थर लगा हुआ उसमें फॉसिल्स हैं, वो फॉसिल्स वाला भी पत्थर है लेकिन वो वहाँ पे लगा हुआ था। तो चलो उन्हें एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि हम लोग अर्थ को डिग करके ही निकालते हैं। अर्थ से मतलब होता है जमीन से, अब जमीन में चाहे पत्थर हो चाहे वो कैसे भी, और डिग कर निकाल लें। अब बात आती है कि हम जो ये जो फॉसिल्स होते हैं उनकी एज कैसे निकालते हैं। देखिए फॉसिल्स की एज निकालने का तरीका सबसे अच्छा ये होता है कि हम कार्बन डेटिंग कर लें। कार्बन डेटिंग करने से क्या होता है, कार्बन डेटिंग का टेक्निक जो है वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसके द्वारा हम लगभग एस्टिमेटेड जो वैल्यू होती है वो काफी एग्जैक्ट निकल के आती है। और वो कैसे करते हैं हम लोग कार्बन डेटिंग, देखिए ध्यान दीजिए, कार्बन डेटिंग इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो रेडियोएक्टिव कार्बन होता है उसकी हम लोग एज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एज निकालते हैं। जैसे हमें पता है कि सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबकी अपने एक लाइफ होती है, तो उस लाइफ को हम लोग बोलते हैं क्योंकि वो टोटल लाइफ है, और जितने समय में वो अपनी ओरिजिनल अमाउंट का आधा रह जाता है उसको कहते हैं उसकी हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ, यानी जितनी भी उसकी टोटल अमाउंट, जैसे मान लीजिए उसके हमने लिया सपोज को 10 ग्राम और वो कुछ समय के बाद में रह गया 5 ग्राम, तो इसका मतलब जितने समय वो आधा हो गया अपना 10 से 5 हो गया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो वो मान लीजिए वो उसकी क्या होगी, वो होगी हाफ लाइफ होगी। तो हम क्या करते हैं, जिस पत्थर पे, जिस स्टोन पे, जिस जगह से हमने वो प्रिंट प्राप्त किया है, फॉसिल्स का हमने रिमेन प्राप्त किया है, सबसे पहले हम उसकी एज निकालेंगे, क्योंकि जो उस स्टोन की एज होगी अप्रोक्सीमेटली वही एज कहीं ना कहीं उस फॉसिल्स की भी होगी। इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि देखिए कि हमारी जो एज है फॉसिल्स की वो क्या है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कशन करेंगे कौन कौन से फॉसिल्स हैं, उनकी क्या क्या एज है, अभी हम लोग फिलहाल अभी हम ऐसे जनरल बात कर रहे हैं। अब बात आती है कि भाई देखिए हम कैसे हम माने कि भाई देखो ये कुछ फॉसिल्स हमारे जो है प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारा जो है क्या है, वो फॉसिल्स से हम स्टडी कर सकते हैं कि और जान सकते हैं कि एविडेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको जानने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स को लेना पड़ेगा। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो पढ़ाया जाता है बच्चों को वो है आर्कियोप्टेरिक्स। क्या पढ़ाया जाता है, आर्कियोप्टेरिक्स। एक ये फॉसिल है जो कि प्राप्त हुआ था, और
इसके अंदर कुछ समानताएं थी बर्ड्स की और कुछ थी रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का ये माना जाता है, यानी कि जब ट्रांजिशन हो रहा होगा रेप्टाइल से बर्ड्स में, तब ये कहीं ना कहीं बना होगा। तो इसलिए इस ऑर्गेनिज्म को हम एक बेस्ट एग्जाम्पल मान सकते हैं कि ये फॉसिल्स की स्टडी करके हमें ये जानकारी हो जाती है कि देखिए रेप्टाइल से ही बर्ड्स बनी हैं। यानी जो रेप्टाइल्स होते हैं दे आर हैविंग सम मॉडिफिकेशन, दे हैव सम मॉडिफिकेशंस एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन दे गॉट कन्वर्टेड इनटू बर्ड्स। अब कैसे क्या हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से करेक्टर्स हैं जिनके आधार पर हम लोग ये कहते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक तरफ हम बनाते हैं टेबल बर्ड्स की और एक तरफ बनाते हैं रेप्टाइल्स और एक तरफ लेते हैं बर्ड्स। देखिए पहला पॉइंट दोनों को लेते हैं। देखिए पहला तो हम बात करेंगे रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स में सबसे पहली बात तो ये होती है कि उनके अंदर जॉ है, पहली बात जिसे रेप्टाइल्स में होता है। और वो भी कैसे हैं, विद टीथ, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या है, उनमें जॉ है और वो भी कैसा है, टीथ है उसके अंदर। अब बात आती है यहां पे जॉ विद टीथ के बाद में आती है टेल। रेप्टाइल्स में टेल होती है, अब आपको वैसा बर्ड्स में तो होती है टेल, ठीक है होती है, लेकिन इसमें जो टेल होती है वो होती है पॉइंटेड। कैसी होती है, पॉइंटेड, यानी कहीं ना कहीं जो उसका जो टेल जो एंड पार्ट होता है वो पॉइंटेड होता है, जबकि बर्ड्स में ऐसा नहीं होता है बिल्कुल पॉइंटेड हो, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा अंतर होता है, लोगों में टेल जरूर होती है उन्होंने, लेकिन अंतर होता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि इसमें जो कॉडल वर्टिब्री जिसको बोलते हैं, या हम टेल वर्टिब्री बोलते हैं, टेल वर्टिब्री, ठीक है, वो होती है फ्री। फ्री का मतलब ये होता है जिससे कि वो आसानी से अपने आप को टेल को मूव करा सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस पर देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर हम देखें तो जो भी रेप्टाइल्स होते हैं उनमें अगर आप उनकी बनावट देखो, उनके बॉडी को की देखो, तो आपको ये समझ में आएगा कि जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं क्लॉ, क्लॉ का मतलब हुआ पंजे जैसे होते हैं, तो वो क्लॉ भी पाए जाते हैं, क्लॉज प्रेजेंट, ये भी होते हैं। ऐसे और भी कई प्रॉपर्टीज हैं, फिलहाल अभी मेन में डिस्कस की हम लोगों ने। यहाँ पे दूसरा है बर्ड्स में, अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर वीक्स होता है, वीक होता है, बट उसमें देखिए बर्ड्स में दांत नहीं होते हैं, लेकिन दांत हैं, इसका मतलब रेप्टाइल्स हो गया। वीक होना मतलब बर्ड्स है। दूसरी बात, इनकी जो बोन्स होती है, अच्छा बोन्स का एग्जाम्पल यहां ले सकते हैं हम लोग, यहाँ बोन्स जो होती है वो सॉलिड होती है, बोन्स होती है वो सॉलिड, बोन्स होती है सॉलिड, इसे सिद्ध होता है कि वो क्या हो गया, वो हो गया रेप्टाइल। अगर कोई बर्ड्स की कैटेगरी में आता तो कहीं ना कहीं बोन्स कैसे होती, बोन्स होती है उसकी हॉलो होनी चाहिए थी, लेकिन वो यहाँ पे ऐसे नहीं है, यानी कि वो कहीं ना कहीं वो बर्ड्स की कैटेगरी में नहीं। उसकी जो समानताएं हैं वो ज्यादा हैं किसमें, रेप्टाइल्स में ज्यादा है और बर्ड्स में कम है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अच्छा तो पहला हो गया उसके अंदर वीक है, यानी कि अच्छा उसके अंदर फेदर्स हैं, फेदर्स। तीसरा हो गया विंग्स का जो मॉडिफिकेशन है वो है आपका फोर लिंग्स का, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिंग्स इनटू विंग्स, यानी कि जो फोर लिंग्स है वो मॉडिफाई हो गए किसमें, विंग्स में हो गए, ये उनके मेन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो है अगर आप देखें तो उसकी बॉडी कंटूर शेप की है, किसकी, आर्कियोप्टेरिक्स की, जो कहीं ना कहीं बर्ड्स के शेप को बिलोंग करती है। तो इससे हमें एक आइडिया लग गया कि देखिए कि जो आर्कियोप्टेरिक्स है वो एक फॉसिल है जिसके अंदर कुछ करेक्टर्स रेप्टाइल्स के हैं, कुछ करेक्टर्स बर्ड्स के हैं, और इस बात से हमें जानकारी मिल जाती है कि देखिए ये कहीं ना कहीं इनसे तभी मिलता जुलता होगा जब इनके पूर्वज कहीं ना कहीं सेम होंगे।
इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये एविडेंस है फ्रॉम फॉसिल्स। इसके अलावा अभी हम तीन एग्जाम्पल की और चर्चा करेंगे, ठीक है, अभी हम उसके बारे में बताएंगे। तो ठीक है, अभी इसको मिटालते हैं फिर बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोग एज के देख के भी मालूम कर सकते हैं, और हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके बारे में हम ये जानकारी ले सकते हैं। जैसे एक है फॉसिल्स का नाम है अमोनाइट, इसकी लगभग एज मानी जाती है 180 मिलियन ईयर्स एगो की लगभग है ये सब, और इसकी जो बनावट है वो आज के मोलस्क के समान है, यानी मोलस्कस जो है उनके समान है, जैसे उनके अंदर शैल होता है ऐसे इसके अंदर भी होता है। फिर आता है ट्राइलोबाइट, इसकी लगभग माना जाता है कि इसकी जो एज है वो 400 to 600 मिलियन ईयर्स एगो की है, और ये हम आज के आर्थ्रोपोड्स की तरह इसमें है क्योंकि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है इसलिए। फिर आता है डायनासोर, डायनासोर जो है अपीयर्ड फर्स्टली 250 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ पे ऐसा माना जाता है कि वो अपीयर हुए थे, और 65 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो डिसअपीयर हो गए यानी एक्सटिंक्ट हो गए, तो ऐसा माना जाता है। और ये आज के ज़माने की जो बड़ी लिजार्ड हैं उनकी तरह की बनावट थी। तो जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल है बैरनस का, और इसको हम लोग गाँव में कहते हैं गुहो कहते हैं, ठीक है, ये बड़ी छिपकली होती है, ऐसे काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और इनकी काफ़ी बनावट होती है। और भी बड़ी बड़ी छिपकली हैं अभी अवेलेबल हैं मॉडर्न टाइम में, उनके लगभग उनकी तरह इनकी जो है शेप होती थी, तो इसको हम लोग बड़ी छिपकली भी कह सकते हैं। तो डायनासोर जो है वो अब नहीं पाए जाते, ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो आज के ज़माने के जो ऑर्गेनिज्म से उनसे ही चूँकि काफ़ी इनका मिलता जुलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए ये जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं ये सब आज के ज़माने, जैसे मान लीजिए अमोनाइट है तो मोलस्का का ये कहीं ना कहीं एंसेस्टर हो गया, आर्थ्रोपोड का एंसेस्टर हो गया टाइलोबाइट, या टाइलोबाइट को देखा है वो किसका एंसेस्टर निकला, आर्थ्रोपोड्स का। इसी तरीके से डायनासोर जो है वो लाल जो लिजार्ड हैं जो आज के ज़माने के उनके कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स रहे होंगे। तो इस तरीके से हमें एक पूरा एक हमने आपको एक गिस्ट बना के दिया, एक संक्षेप में बना के दिया कि किस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक हो गया फॉसिल्स, कल हम लोग फिर अपना नेक्स्ट एक टॉपिक लेके डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।